स्टाइल व्लॉग्स एंड बैक टू नई वीडियो। गाइस लास्ट व्लॉग में आपको लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, जो दोस्तों 1000 व्यूज आप लोगों ने क्रॉस कर दिया, लेकिन मेरी पहली वीडियो आगी। सो गाइस यार थैंक्स यार। और गाइस यार वो रावण वाली वीडियो थी, आज गाइस यार उसका दहन होने वाला है। सो चलते हैं देखते हैं कि किस तरह का दहन होने वाला है। सो लेट्स गो। सो गाइस सर मैं किसी वजह से दोस्तों वहाँ पर ना जो रावण की जो दहन वाली वीडियो है ना वो किस तरह करके कैप्चर कर पाया हूँ, और गाइस बाकी जो कैप्चर वो नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो गाइस मैं आपको रावण की जो दहन की जो वीडियो है वो दिखा देता हूँ, और वॉइस ओवर मैं ऊपर से कर रहा हूँ। आपको पता है मतलब जहाँ दशहरे के टाइम पर वहाँ पर अगर हम बोलते भी है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आने वाला है, तो इस करके मैंने ऊपर से मतलब जो कहते हैं वॉइस है वो डाली है। तो हम लोग सिंपली चलते हैं रावण के दहन की ओर। सो गाइस सर आप लोगों ने देखी यार वीडियो में दोस्तों जो रावण का जो दहन है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से करा गया, जो उसमें सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी थी, जो क्या कहते हैं सर के ऊपर से बम फोड़े जाते हैं और क्या बोलते हैं जो हाथों में मतलब एक एक करके बम फोड़े जाते हैं, सबसे अच्छी मेरे को मतलब चीज़ यही लगी रावण के अंदर। और गाइस मैं वीडियो के थ्रू शायद ही आपको मैं बता पाऊँ, सो गाइस जो बम थे ना क्या कहते हैं रावण के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, मतलब जब ये लोग फूट रहे थे मतलब जो ग्राउंड है दोस्तों बराड़ा का वो दोस्तों पूरा मतलब हिल रखा था, इतने अच्छे बम मतलब खतरनाक बम थे इसके अंदर। और क्या जब रावण में आग लगी नीचे से फिर उसके बाद तो मतलब आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि कितने खतरनाक बम, उनकी आवाज़ आप शायद ही वीडियो के थ्रू सुन पाओगे दोस्तों। आप लोग रियल में सामने होते जो लोग भाई रियल में थे उनको खुद पता होगा कि कितने खतरनाक बम थे रावण के अंदर, मतलब पूरा जो मतलब पूछो ना यार। मैं बस एंड ही करता हूँ वीडियो को। गई सर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। सो मिलता हूँ सबको नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।